हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मेट में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप जब अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाएं तो उसको रिकवर कैसे करें, यानी फॉरगेट पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो उन पासवर्डों को आप किन किन तरीक़ों से रिकवर करवा सकते हैं, किस तरह से आपका पासवर्ड वापस आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी आईडी डाल लीजिए। आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड, यदि आप पासवर्ड भूल गए तो बस आप यहाँ के लिए नीड हेल्प पर क्लिक करिए। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है एंटर द लास्ट पासवर्ड यू रिमेंबर। अगर आपका पासवर्ड बदल चुके हैं, उससे पहले आपका पासवर्ड जो था अगर आपको याद है तो वो डालेंगे तो रिकवर हो सकता है। और दोस्तों, यदि आपको अपना लास्ट टाइम यानी कि इससे पासवर्ड था उससे पहले वाला नहीं याद है तो आप यहाँ पे करिए ट्राई अ डिफरेंट क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको एक ईमेल आईडी दे रखी थी जिस समय मैंने ईमेल बनाया था। यदि आपको ईमेल आईडी नहीं बनाना आती तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है जो आपको हेल्प देगा, जहाँ मैंने ईमेल आईडी एक डाली थी, ये वो है। अब क्या होगा, जब हम इस पे ये सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पे एक रिकवरी मेल का मैसेज चला जाएगा। और यदि दोस्तों आपको ईमेल आईडी इस चीज़ का पासवर्ड नहीं याद है या कोई और परेशानी हो रही तो आप फिर यहाँ ट्राई अ डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ ट्राई किया और फ़ोन नंबर आपका यहाँ जीमेल अकाउंट पे पड़ा है तो बस दोस्तों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ये जो फ़ोन नंबर यहाँ पर पड़ा है ये आपको यहाँ डालिए और देखिए दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए। अब दोस्तों, ये यहाँ पर पूछ रहा है ये कि आपने अकाउंट कब क्रिएट करा है। दोस्तों ये तो बहुत मुश्किल बात होती है, अकाउंट कब क्या बता सकता है कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे आप ट्राई अ डिफरेंट क्वेश्चन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें से आपको इंटर एन ईमेल एड्रेस यू कैन चेक नाउ, इट हेल्प इफ यू यूज एन ईमेल ऑलरेडी एड्रेस इन दिस अकाउंट, गूगल विल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड टू दैट ईमेल, इंटर द वेरिफिकेशन कोड हेयर, इफ गूगल कैन वेरीफाई दैट दिस अकाउंट। दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपने जब इस अकाउंट को बनाया था तो उस समय पर कौन सी ईमेल आईडी डाली थी, वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं दोस्तों डाल देता हूँ। और फिर नेक्स्ट करूँगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये वेरिफिकेशन कोड हमारा उस वाली ईमेल आईडी पे गया होगा जो मैंने इसमें यहाँ पे डाली है वेरिफिकेशन के समय। आईडी केवल वहाँ पे वही डाली है जो दोस्तों आपने अकाउंट बनाते समय डाली होगी। तो दोस्तों चलता हूँ मैं अपनी इस आईडी पर। लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। इस कोड को हमें वहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे पूछ रहा है आप अपना नया पासवर्ड डाल दीजिए। यदि आप भूल गए थे तो आप अपने यहाँ पासवर्ड डालिए यहाँ। दोस्तों मैं पासवर्ड यूज़ कर चुका हूँ इसलिए नहीं ले रहा। ध्यान रखिए, जो आप एक बार पासवर्ड यूज़ कर चुके हैं वो ये नहीं लेता है। मैं दूसरा डालता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली जो है ये चेंज हो चुका है। और डन कर दीजिए, ये सबसे ठीक है।
कंटिन्यू। ये देखिए दोस्तों, मैसेज आ चुका है, योर पासवर्ड चेंज। और दोस्तों एक बार मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ कि दोबारा से कि मुझे याद है या वही पासवर्ड बदल चुका है दोस्तों, तो मैं लॉगिन करूँगा इसको। ये देखिए दोस्तों, मेरे नए पासवर्ड से ये लॉगिन होने वाला है। मैं इसमें जब OTP डालूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, ये उसी का एक भाग है। आप हमारे इस ट्यूटोरियल को चैनल पर देख सकते हैं और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ डन करिए और ये लॉग इन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पासवर्ड चेंज होने के बाद आपका अकाउंट लॉग इन हो रहा है। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहेगी। और शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।